हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट क्लास में लेसन नंबर 8 डम डम द बेबी एलिफेंट करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ हम पहले लेसन पूरा देख लेते हैं। दिस इज डम डम, ये डम डम है, किसी का नाम है डम डम। अब किसका नाम है? ही इज अ स्वीट एंड जेंटल बेबी एलिफेंट। ये अच्छा सा गुड जिसे बोलते हैं बेबी एलिफेंट, एलिफेंट का बेबी है। डमडम लाइक्स टू ईट एप्पल्स एंड मेलन्स। डमडम को खाने में एप्पल्स और मेलन्स पसंद है। मेलन्स मीन्स जो मेलन होता है, मस्क मेलन जिसे बोलते हैं वो। ऑन मंडे डमडम सीज सम एप्पल्स। मंडे को डमडम ने कुछ एप्पल्स देखे। ही टेक्स एन एप्पल विथ हिज ट्रंक। उन्होंने एप्पल को अपनी ट्रंक से, एक एप्पल को मतलब डमडम ने एक एप्पल अपनी ट्रंक अपनी सूंड से उठाया। ही इट्स इट, और उसे वो खा गया। आई लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल पसंद है। यम यम सेज डम डम। नेक्स्ट, अ बॉय इन द शॉप सीज डम डम। शॉप में बॉय खड़ा था। देखो यहाँ पिक्चर में बॉय है, उन्होंने डम डम को एप्पल लेते हुए देखा। हे दैट्स माय एप्पल, ये मेरा एप्पल है। ही सेज डमडम रन्स अवे। डमडम दौड़ गया। डमडम डमडम। ऑन ट्यूजडे डमडम सीज मेलन। ट्यूजडे को डमडम ने मेलन देखा। ही सेज, उन्होंने बोला, आई लाइक मेलन्स, मुझे मेलन्स पसंद है। ही टेक्स अ बिग मेलन इन हिज ट्रंक। उन्होंने अपनी सूंड में बड़ा सा एक मेलन उठाया। ही इट्स इट, एंड वो खा गया। यम 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 सेज डम डम। द बॉय एंड द गर्ल इन द शॉप सी हिम। शॉप में बॉय और गर्ल थे, उन्होंने डम डम को देखा। ओई दैट्स अवर मेलन, कि ये हमारा मेलन है। दे से डमडम रन्स अवे। डमडम वहां से भाग गया। डमडम डमडम। ऑन वेंसडे द बॉय एंड द गर्ल गो टू डमडम। वेंसडे को बॉय एंड गर्ल डमडम के पास गए। यू टेक अवर एप्पल्स एंड अवर मेलन्स, आपने हमारे एप्पल्स और मेलन्स ले लिए। सेज द बॉय, बॉय ने बोला। बट यू डोंट से प्लीज, सेज द गर्ल, गर्ल ने बोला कि आपने हमसे मांगा नहीं। यहाँ पे प्लीज का मतलब कोई भी चीज मांगने के लिए हम बोलते हैं ना, प्लीज मुझे ये चाहिए, तो आपने हमें बोला नहीं। सॉरी सेज डम डम। डम डम ने बोला कि सॉरी। देखो यहाँ पे छोटा सा हमें लेसन मिल रहा है, किसी की भी चीज लेने से पहले हमें उनकी परमिशन लेनी चाहिए। किसी की चीज ऐसे ही नहीं ली जाती, और अगर गलती हो गई हो हमसे तो हमें तुरंत उसे सॉरी बोल देना चाहिए। ऑन थर्सडे डमडम गोज टू द एप्पल शॉप। थर्सडे को डमडम एप्पल शॉप गया। प्लीज गिव मी एन एप्पल, ही सेज। एप्पल शॉप जाके डमडम बोला कि मुझे एक एप्पल मिलेगा। द बॉय स्माइल्स, बॉय ने स्माइल की। दिस इज योर एप्पल, ये आपका एप्पल है, टेक इट, लीजिए। सेज द बॉय, थैंक यू, सेज द डमडम। डमडम ने क्या बोला? आपका
आभार। कोई हम किसी से कोई चीज मांगते और कोई हमें देता है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है। ऑन फ्राइडे डमडम गोज टू द मेलन शॉप। फ्राइडे को डमडम मेलन की शॉप पे गया। प्लीज गिव मी अ मेलन। और वहां जाके क्या बोला कि मुझे एक मेलन दीजिए। द बॉय एंड द गर्ल स्माइल। बॉय और गर्ल ने स्माइल की। हियर दिस इज योर मेलन। ये रहा आपका मेलन। दे सेज थैंक यू डियर फ्रेंड्स, सेज डमडम। डमडम ने उनका आभार व्यक्त किया। ये पेज में देखो दो येलो बॉक्स है। ये दो येलो बॉक्स में ब्लैंक्स है, ये हम अभी फिल करेंगे। When Dumdum eats the apple and the melon, he says, जब डमडम एप्पल और मेलन खा रहा था तो क्या बोला? यम यम। तो हम यहां लिखेंगे यम यम, ठीक है, यम यम। नेक्स्ट है डमडम लर्न्स हाउ टू से। डमडम क्या बोलना सीखा? तो प्लीज, यहां लिखोगे प्लीज। नाउ टर्न द पेज। अभी यहां पे क्वेश्चन है जिसके वन और टू सेंटेंस में आंसर देना है, तो ये आपको मैं अलग से बताऊंगी, ठीक है। ये है हमारे आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट है हु वॉज डमडम एंड व्हाट डिड ही लाइक टू ईट। डमडम कौन है और उसे क्या पसंद है खाने में? द आंसर इज डमडम वॉज अ बेबी एलिफेंट। ही लाइक टू ईट एप्पल्स एंड मेलन्स। उसे एप्पल्स और मेलन्स पसंद है। नंबर टू व्हाट हैपेंड ऑन मंडे। मंडे को क्या हुआ? The answer is on Monday, Dumdum sees some apples in a shop. He takes an apple and eats it. Monday को Dumdum ने shop में कुछ apples दिखे, उन्होंने एक apple लिया और उसे खा गया। Number three, what did Dumdum do on Tuesday? Tuesday को Dumdum ने क्या किया? The answer is on Tuesday, Dumdum sees melons in a shop. He takes a melon and eats it. उन्होंने एक मेलन उठाया और खा गया। Number 4 और 5 हम यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करेंगे। तो आपको सबसे पहले लेसन का नेम लिखना है, मार्जिन में लेसन का नेम लिखना है। लेसन नंबर 8 और लेसन का नेम है डमडम द बेबी एलिफेंट। ये मार्जिन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। तो आज का आपका ये है वर्क।